हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैगीज ब्लॉग। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र के सांगली जिले के तालुका कड़ेगांव के एक गांव में, और यहाँ पे हम थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे यहाँ पे खेती लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, और थोड़ा टाइम पास वीडियो बनाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ मेरे कजिन भाई के खेतों में। यहाँ पे उनके बड़े लड़के हैं, ये है आतिश। आतिश से हाय। तो आतिश, तो यहाँ पे हमें आतिश बताने वाले हैं कि उनके खेतों में फिलहाल क्या है, और उनके खेतों में एक शेड है, और शेड के अंदर कितने गाय और कितने भैंस है। तो गाइज, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आतिश के खेतों में, उनके शेड में इतने सारे जानवर हैं। तो आतिश भाई, बताए यहाँ पे अभी आपके पास कितने गाय और कितने भैंस है? दो भैंस, दो गाय। ओके। और अभी जो छोटा बछड़ा दिख रहा है वो मस का है। अच्छा, ये भैंस का बछड़ा है। तो अभी ये आतिश भाई, अभी जो दिख रहा है ये भैंस का जो बछड़ा है, वो कितने कितने टाइम हो उसको पैदा होके? वन वीक। अच्छा, ये आप देख सकते हैं भाई लोग, यहाँ पे वन वीक का बछड़ा है भैंस का। तो अभी ये चलता है क्या? चलता है। तो दोस्तों, अभी ये आतिश भाई बता रहे हमें कि ये जो भैंस का बछड़ा है वो पैदा होते ही आधे घंटे के अंदर ही चलना चालू कर देता है, और अभी यहाँ पे बैठा हुआ है एकदम शांत से। और आतिश भाई ने यहाँ पे चारा भी डाला हुआ है। तो आतिश भाई, अभी आपने यहाँ पे कौन सा चारा डाला हुआ है इनको? गन्ने के ऊपर जो पत्तियाँ होते हैं वो काट के डाला हुआ है। तो वैसे इसमें नॉर्मल क्या क्या डालते हैं आप? ये गन्ने का चारा, हर और बाकी अपना मक्के का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छी तरह से ये जो शुगर केन के ऊपर जो होता है ढका हुआ है, इसको बारिश से बचाने के लिए ढका हुआ है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस बछड़े को, ये बछड़ा जो है ये सिर्फ वन वीक का है, और अभी फिलहाल ये खाली दूध ही पीता है, और 10, 11, 12 दिन के बाद ये सूखा पाला, ये जो सूखा पाला है ये खाना चालू कर देगा। ऑसम। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आतिश भाई ने यहाँ पे शेड के बाजू में ही यहाँ पे मक्के के बीज डाले हुए थे, और ये मक्के के बीज अभी छोटा, अभी कितना टाइम हुआ इसको डाल के? तो अभी इनको वन वीक ही हुआ है, तो इतना बढ़ चुका है। अभी ये बढ़ेंगे 2 महीने के अंदर 6 से 7 फीट। वेरी गुड। और यहाँ पे इन्होंने गोबर जमा करने के लिए एक खड्डा रखा हुआ है, बाद में इसको खेतों में डालते ही है खत बना के। देख सकते हो फिलहाल मैं अभी खेत में हूँ, और खेतों में यहाँ का क्लाइमेट इतना औसम लगता है, जैसे कि अपने सिटी में इतनी एकदम गर्माहट होती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो ठंडक। और यहाँ पे जो भी अभी खेतों में आते हैं बच्चे दोपहर के टाइम में, यहाँ पे नहाने के लिए कुएं में कूदते, यहाँ पे नहाने के लिए कुएं में आते, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आ जाइए। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे शेड के बाजू में ही कुआ है, यहाँ से ये कुएं में से पानी लेते हैं ये लोग अपने खेती के लिए यूज़ करते, और यहाँ पे जो बच्चे आते दोपहर में खेतों में, अपने अपने खेतों में, वो लोग यहाँ पे आके स्विमिंग भी करते हैं। हाँ ठीक है। सेकेंड मार।
नेक्स्ट घर रखे तो दोस्तों इस तरह से जो बच्चे लोग यहाँ पे खेतों में आते हैं तो दोपहर के टाइम पे यहाँ पे स्विमिंग करते हैं कुएं में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ए तुम लोगों का स्विमिंग का आता है, डाय मारना रे, एक डाय मारना, एक डाय मारना, कोनी पन कोनी पन, मोटर बंद है ना, मोटर बंद के लिए, मोटर बंद के लिए तुम चाटी। छोटू छोटू मारना, एक डाय चल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितने मजे कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं खेतों में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।